Jesus in Bible is the son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? Sister Anne. Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैह सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते, मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है, मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राहीम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3:16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3:16, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3:16 में जहाँ लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीव विद हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ, वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3:16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ अ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन, ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा, ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैह सलाम खुदा के बेटे है इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में, बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे, हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जन्ने की जो कुवत है, ये कुवत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, अल्लाह सुबहाना व ताला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1-4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफ्वान अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये चार लाइंस है, चार स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुबहान तौर को डिस्क्राइब करने के कहा गया। और ये चीज़ बाइबल में भी है,
इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से बिना कोई शक बिना कोई शुबा साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे बिना कोई शक बिना कोई शुबा जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट टू कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक बिना शुबा जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ। एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हू हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम थाउ हैज सेंट, ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस व्हिच गॉड डिड बाय एंड यू विटनेस टू इट। इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग ये इज़राइल के लोगों इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना अमंगस्ट यू आपके बीच विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए मौजदा दिखाए
which God did by him, जिसे अल्लाह ने किया, and you witnessed to it, और आपने उसकी शहादत दी. इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहि सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुबहाना व ताला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए. तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहि सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे. तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहि सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज़ द फैक्ट आई एम हियर. माशाल्लाह, तो आप मानते हैं इस्लाम मज़हब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं क्या ईसा अलैहि सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाल्लाह, बहन मानती है कि ईसा अलैहि सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है. और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहि सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है. तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes. और आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहि सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालदेन से नहीं कहा है. वालदेन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है. आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज़ सफिशिएंट. यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन. इफ़ यू हैव फेथ, इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह. आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है. बोलना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पर चलना और आसान होगा. तो आपके वालदेन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है. धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है. या एंड वन मोर थिंग, द थिंग इज़ दैट आई वोंट टेल माय पेरेंट्स अबाउट इट, बट आई वांट टू कम्प्लीटली बी अ मुस्लिम. सो इफ आई लाइक 20%, आई कांट गिव माय 20% टू इट, आई नीड टू गिव माय 100%. सो That's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालदेन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी. तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले. बहन 100% कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% मैं चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं होता है, कोई गलती नहीं करता हूँ. ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां करते. लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद. अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिर्क आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की. उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते. लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए. और धीरे धीरे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे. लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहि सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है. और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है. इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं. उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे. तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई मामूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर. आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते. So I would like to get converted. माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे. आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं नहीं. कोई भी दबाव? नो. कोई भी प्रेशर? नो. माली प्रेशर? नो. माशी प्रेशर? नो. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे? Yes. आपके दिमाग से भी? Yes. आपके पूरे होशो आवाज से? Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा
और आप इसको दोहराइए. Brother, there's one more person who would like to take the shahada. Okay, inshallah, she can join. बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है. आपका नाम है सुनंदा? मैं बौद्ध धर्म से हूँ. बुद्ध धर्म, बुद्ध से? हाँ. और आप मानते खुदा एक है? हाँ. आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? हाँ. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ. आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं. कोई भी माली प्रेशर? नहीं. क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है. आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ. अपने दिल से? हाँ. अपने दिमाग से? हाँ. होशोहवास से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले. और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे. और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं. I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए. हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाल्लाह. या स्पेशली फॉर माय फैमिली. इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह शुक्रन. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो. इस तरह की वीडियोस जो है वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है ये वाली वीडियोस जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की होती हैं उनको देखने का. क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने पॉइंट्स को प्रूव करवाते हैं और फिर बाद में उनको मतलब साबित करके और फिर बाद में अगले इंसान को सेटिस्फाई करके और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है. इन चीज़ों का मज़ा आता है कि बंदा अपने दलाइल पर अपनी जो दलीलें हैं उनको साबित करे, अपने जो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो अपनी दलीलों पे उसको साबित करे. तो इसलिए मुझे ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में कि जो भाई इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, जो बहनें आके इस्लाम एक्सेप्ट करती हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बातों से, उनकी दलीलों से, इस्लाम से मुतासर होके, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतासर होके, अल्लाह ताला के कानूनों से मुतासर होके जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो फिर इस तरह से जो है वो मुतासर होके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से की बातों से मुतासर होके जो इस्लाम कबूल करते हैं. तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें, जैसे कि इस बहन ने जो है वो सवाल किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं नऊज़ बिल्ला, कि ये बाइबल में लिखा हुआ है. और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसको एक्सप्लेन किया कि बाइबल में कुछ चीज़ें मिलावट कर दी गई हैं इन चीज़ों को साबित करने के लिए. मतलब जब पता चला कि इन लोगों को कि मतलब बाइबल में तो ये ओपनली लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं है नऊज़ बिल्ला, तो इसलिए जो है इन्होंने वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी. इसलिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी कहते हैं बाकी सब मजहबी किताबों में जो है वो मिलावट है और वो उनको साबित भी कर सकते हैं, इसीलिए इतना बड़ा वो क्लेम करते हैं. ये कोई छोटा क्लेम नहीं है कि बाकी सब मजहबी किताबों में जो है वो मिलावट है, वो उसको साबित भी कर सकते हैं सिवाय कुरान मजीद के. कुरान मजीद में आज तक कोई इंसान ना मिलावट कर सका है और ना ही कर सकता है, वो बिल्कुल महफूज है जिस तरह है. और ये कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है, ये लोग एक आयत भी नहीं बना सकते. ये कुरान मजीद में भी मेंशन हुआ है कि ये लोग आप खुद से एक आयत भी नहीं बना सकते. तो इसलिए जो है ना
कुराने मजीद में कोई इंसान कोई मिलावट कर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका जुम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत का जुम्मा लिया हुआ है। तो इसलिए जो है ना कुरान मजीद में कोई मिलावट नहीं है, बाकी सब किताबों में जो है वो मिलावट होगी हुई है। जैसे उन्होंने इस चीज़ को जो सन के मतलब को जो है वो बाइबल में जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। मतलब क्रिश्चियंस जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को बुरा ना माने, अगर एक इंसान इतना बड़ा क्लेम कर रहा है तो उसके पास जाहिर सबूत हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि किसी ने सबूत नहीं देखे होंगे उनसे, किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी होगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो बाइबल संभाल के रखी हुई हैं, वो चैप्टर्स वो लाइंस और वो आयतें जो वर्स नंबर्स जो हैं वो संभाल के रखे हुए हैं, इसीलिए तो वो अपना हर जलसा कामयाब करते थे, नहीं तो अगला जलसा कौन करने देता है? अगला लेक्चर या अगले क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन होता है वो कौन करने देता है अगर इंसान के पास सबूत ना हो? तो इसलिए जो है ना ये आप लोगों को बुरा मानने की बात नहीं है, ये एक सच है जिसको उन्होंने भी प्रूव किया, और ये हमारे इस्लाम में भी ये एक सच है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, ना के बेटा थे, ठीक है? तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को बुरा मानने से बेहतर है आप इस चीज़ पे रिसर्च करें, इस चीज़ पे जो है वो हर इंसान से जो है हर कोई भी इंसान इस्लाम में या किसी भी मज़हब में आपको कोई लगता है तो इन चीज़ों पे जो है वो रिसर्च किया करें, ना कि मतलब इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोला करें और जी बुरा माना करें। तो इसलिए ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।